सर, एग्जिट पोल के नतीजे अपने ग्वालियर में आ चुके हैं, जिसके मुताबिक आपकी विजय, ज़्यादातर एग्जिट पोल आपकी विजय बता रहे हैं। सर, अगर आप आपके सांसद बन जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या विकास कार्य करने वाले हैं ग्वालियर के लिए? देखिए, पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र सिंह के तोमर हमारे सांसद रहे हैं, मंत्री भी थे। इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, विशेषकर सड़कों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। अभी चुनाव के कारण अभी मैं काफ़ी दौरे मैंने किए हैं, जहाँ पर 3-3 घंटे पहुँचे में लगते थे। कोहरी से चुनाव क्षेत्र में आता है मेरे, हम 2.5 घंटे वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा रोड नेटवर्क यहाँ पर डेवलप हुआ है। इसके बाद जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके समस्या देखी, वो पानी की समस्या है, सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी। काफ़ी दूर दूर से कई स्थानों पर पानी लाना पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास रखा कि आने वाले समय में इस तरह की योजना बनाएं, पानी का संरक्षण करें, पानी को रोकें। अगर स्टॉप डैम बनाने की आवश्यकता हो, स्टॉप डैम बनाएं, नहरों के माध्यम से सिंचाई की आवश्यकता हो तो सिंचाई करें। सर, एग्जिट पोल का आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल कितने मुताबिक सही है? कुछ विरोधी दल के नेता ये भी बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो तो चुनाव 23 तारीख के बाद पता चलेगा कांग्रेस जीत रही है या ये जीत रही है, तो उसके बारे में सर आप क्या मानते हैं? अब तक का तो अनुभव यही है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो कमोबेश सही होते हैं। जी, और एग्जिट पोल भी कई तरह के हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 277 से लेके 350 तक का अनुमान लगाया गया है। तो अगर सबका एवरेज भी ले लिया जाए, मतलब आपके मुताबिक एक बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने, दोबारा बनेंगे, बिल्कुल जरूर बनेंगे, क्योंकि जनता ने यही चाहा है। और ये लोग सर नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ से जो ग्वालियर छोड़ के गए अपना, ग्वालियर से उनको मुरैना जाना पड़ा, इसके पीछे सर क्या वजह रही होगी? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, वो मोदी जी के विश्वस्त सहयोगियों में से एक हैं। वो कहीं से भी लड़ सकते थे, पार्टी ने उनको मुरैना जाने के लिए बोला, वो मुरैना जाकर चुनाव में लड़ा और चुनाव जीत रहे। ठीक है।